आज हम उपस्थित हुए हैं हिंदी क्लास के लिए। आज हम पढ़ेंगे ए की मात्रा की बारह खड़ी। चलिए सबसे पहले व्यंजनों की वर्णमाला लिखेंगे। चलिए सबसे पहले व्यंजनों की वर्णमाला ऊपर लिख लो। ए की मात्रा की बारह खड़ी। ठीक है, तो हम वर्णमाला सबसे पहला व्यंजन क ख ग घ च छ ज झ ट थ द ण त थ द ध और न प फ ब भ म य य र ल व श श श श स श श स ह। अब इसमें हम ए की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ए की मात्रा, इस पे ए की मात्रा लगाइए और बोलिए उच्चारण क्या होगा। ए ए ए ए ये सब नहीं, ए ए की मात्रा। के साथ साथ बोलिए, के खे गे घे इसमें नहीं लगेगा। छे 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 जे जे इसमें नहीं लगेगा। ठे ठे डे ढे इसमें नहीं लगेगा। ते ठे डे ढे ने पे फे बे भे मे ये रे ले वे शे शे से हे के खे गे घे चे छे जे झे ठे ठे डे ढे ते थे दे धे पे फे बे भे मे ये रे ले वे शे शे से हे। ये हमारी ए की मात्रा की बारह खड़ी। अब हम जानेंगे ए की मात्रा से शुरू होने वाले शब्द, दो अक्षर वाले और तीन अक्षर वाले शब्द। बच्चों अब हम पढ़ेंगे ए की मात्रा वाले शब्द, बहुत ही आसान आसान शब्द कैसे होते हैं। लिखिए ए की मात्रा वाले शब्द। चलिए ए की मात्रा वाले शब्द, पहला क से क, इसके ऊपर में मात्रा है क ए ला, क ए ला क्या बनेगा, केला के ला क ए ला केला। और एक बहुत अच्छा सा फ्रूट है, ठीक है, जो सबको पसंद है, स ए ब सेब, स ए ब सेब, सेब का मतलब एप्पल, सेब क ए ला केला। केला कैसा होता है, ऐसा स ए ब सेब, सेब कैसे होते हैं ऐसे। ब इसके बाद ये क्या है, ए की मात्रा ऐसे लगाते हैं, ए ब ए ल
बेल, बेल भी एक फ्रूट होता है। व ए ल बेल, वो होता है ऐसा फ्रूट है। व बेरी, बे ब में एक ही मात्रा। ब ए र बेर, ब ए र बेर, ब ए र, सॉरी ये श बन गया है, ब ए र बेर, बेर। अब होता है र, अब होता है र ए त, देखो र ए त, रेत। क्या होता है? रेत, सैंड। र ए त रेत, र ए त रेत। इसके बाद है र ए ल रेल, रेल मतलब ट्रेन। र ए ल रेल। रेल र ए ल रे। इसके बाद है ख, ख ए ल खेल। क्या होता है? ख ए ल खेल, जो गेम खेलते हैं, ख ए ल खेल। प प ए ड पेड़, प ए ड पेड़, प ए ड पेड़, प ए ड पेड़, ट्री। ओके, अब है प ए ट, प ए ट पेड़, स्टमक, पेट। उसके बाद है म ए ज मेज, मेज, म ए ज मेज, प ए ड़ा, पेड़ा खाते हैं ना, मिठाई होती है ना, पेड़ा, 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 स्वीट डिश है ना। तो प ए ट पेट, म ए ज मेज, प ए ड़ा पेड़ा, म ए ला, म ए ला मेला, मेला, मेला। मेले में जाते हैं आप लोग? मेले में भी जाते हैं पेरेंट्स के साथ। म ए ला मेला, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थ्री लेटर वर्ड्स। इसमें एक बहुत ही एक एक ऐसा वेजिटेबल है जो किसी भी बच्चे को अच्छा लगता है। क र ए ला, क्या है ये? विथ गॉड। क र ए ला करेला, क रे ला करेला। स व ए रा सवेरा, स व ए रा, स व ए रा सवेरा, मॉर्निंग। स वे रा सवेरा। न न ए व ला मंगूस, न ए व ला नेवला, बड़ा खतरनाक होता है ये, न ए व ला नेवला। बोलिए ने व ला, इसको देख के ही बहुत क्यूट लगता है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। नेवला, इसे सांप भी, स्नेक्स भी डर जाते हैं। स ह ए, स ह ए
ली सहेली सहेली सह एली सहेली ब ए बे ब ए बे स न ब ए स न बेसन 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 ब ए स न बेसन बेसन क्या होता है बेसन की पकौड़ियां बनती है ना बेसन ब ए स न बेसन पकौड़ियां बनाते हैं भजिया बनाते हैं और क्या बनाते हैं स्नैक्स बनाते हैं बेसन एक और बहुत अच्छा चीज है देखो ये खाइए कभी ज ल ज ल ज ल ए ज ल ए बी क्या बन गया क्या बन गया ये ज ल ए बी जलेबी क्या बन गया ज ल ए बी जलेबी स्वीट डिश है मिठाई है ना सबको पसंद है जलेबी एक बार रिपीट करते हैं रिवाइज करेंगे प ए ट पेट स्टमक म ए ज मेज टेबल प एडा पेड़ा मिठाई मिठाई म ए ला मेला जा फिर क र ए ला करेला बिटर गॉड स व ए रा सवेरा मॉर्निंग न वे न ए व ला नेवला मंगूस स ह ए ली सहेली फ्रेंड ब ए बे स न बेसन ज ल ए बी जलेबी मुंह में पानी आ गया जलेबी अब हम पढ़ेंगे फोर लेटर वर्ड्स एक ही मात्रा के चार अक्षर वाले शब्द र ए ल रेल र ए ल रेल ध्यान से देखो ग आ ये क्या बना गा री क्या बना र ए रे ल रेल गा री मेरे साथ बोलो रेल गाड़ी मात्रा समझो रेल गाड़ी रेल गाड़ी रेल गाड़ी ट्रेन है ना र एल रेल गाड़ी रेल गाड़ी ख ए ए ल खेल कूद ख ए ल खेल कूद खेल कूद खेल कूद इसको कू नहीं पढ़ना है खेल कूद नहीं होता खेल कूद नहीं होता खेल कूद होता है खेल कूद खेल कूद खेल कूद शेर श ए ये क्या है श ए की मात्रा र श एर शेर भी होता है लॉयन राइट श एर शेर फिर वा श एर शेर वा नी शेरवानी शेरवानी क्या होती है एक अटायर है पहनने के लिए होती है शेरवानी जो पार्टीज में पहनते हैं शादी में पहनते हैं रिसेप्शन में पहनते हैं शेरवानी शेरवानी म ए मे ह मे ह मा न ये क्या है म ए ह मेह मान मेहमान मेहमान मतलब गेस्ट ज
जो हमारे घर में आते हैं, जिनके लिए मम्मी कुछ कुछ स्नैक्स बनाती है, चाय बनाती है, कॉफी बनाती है, मेहमान, और हमको बहुत मजा आता है कि हमें पढ़ना नहीं पड़ता है, राइट। म ए ह मेहमान, मेहमान, मेहमान का मतलब गेस्ट। अब देखो म ल म ल ए म ल ए म ल ए मले मले री, ये री नहीं है, ये है री, क्या है ये री, री नहीं बोलेंगे, री नहीं बोलेंगे, री बोलेंगे, म ले री। या बोलिए क्या बनेगा, म ले री या मलेरिया बनेगा, करेक्ट। क ए ल ए क्या बन गया, क ए के ल ए ले के ले, क्या बना, क्या बन गया के ले। फिर आगे देखो वा ला, जो फ्रूट लेके आता है केले वाला, देखो यहाँ पे केले वाला, केले वाला। ज ए ल जेल, क्या बनाइए, ज ए जे ल जेल, घ र जेल घर, जेल घर। देखिए एक और चीज, म ए मे, मे ज म ए ज, मेज मतलब टेबल होता है, लेकिन अगर यहां पे ये लगा दे बा न, क्या लगा दे, म ए ज मेज बान, मेजबान का मतलब होस्ट, जिनके घरों पे मेहमान आते हैं, जिनके घर में मेहमान आते हैं उनको मेजबान बोलते हैं, जिसके घर पे आते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेजबान, मेजबान। कौन होते हैं मेजबान, जिनके घर पर गेस्ट आते हैं वो होते हैं मेजबान, ठीक है। म ए ज बान, मेजबान, बोलिए मेजबान। इसे रिपीट करते हैं, र ए ल रेल गाड़ी, रेल गाड़ी ट्रेन। ख ए ल खेल कूद, खेल कूद, खेल कूद। श ए शेर वानी, शेरवानी। म ए ह मेह मान, मेहमान। म ल मल ए मले री या, इसको ऐसे ही करना है, स्प्लिट कर करके पढ़ना है, मलेरिया, रिया नहीं रिया। के ले वाला, के ले वाला, केले वाला। ज ए जे ल घर, जेल घर। म ए ज मेज बान, मेजबान। ओके, ये सब आप प्रैक्टिस करिए, घर में होमवर्क है ये, इन सब को घर में बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो एक ही मात्रा फिनिश हो जाएगा। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और वर्कशीट दूंगी, वो आप लोग करें, ठीक है। यह है केले का पेड़, इसको, ये पहला वर्कशीट है, आपको ऐसे केले का पेड़ बनाना है और उसको क्या करना है, कलर करना है। ये
काले माखन ये काले से छोटा है ऐसे 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 और ऐसे ये है केले का पेड़ पेड़ केले का पेड़ सुनाना है पूरा कलर करना ग्रीन कलर से और येलो कलर से या ग्रीन ये जो है रेड कलर का होता है ये है केले का पेड़ या फर्स्ट वर्कशीट ओके चेक ये सेकेंड वर्कशीट है लिखना है आपको चित्र जो ये बना हुआ चित्र है चित्र के नाम लिखो चित्र के नाम लिखो ये क्या है वो आप उसको देख के समझ के लिखना है ये क्या है सोचिए और लिखिए यहाँ ये क्या है इसको गले में पहनते हैं ये क्या है ठीक है चलिए इसको इसको आप करेंगे मैच द फॉलोइंग अब ये करके बताइए क्या लिखा हुआ पहले ये पढ़ना है करेला करेला ये क्या है इसको पढ़ो प एट पेट स्टमक प एड पेड़ च एबल टेबल च ए चे हरा चेहरा ज ए जे वर जेवर तो मैच द फॉलोइंग है आप मैच करिए या फिर आप उस चित्र का नाम लिखिए कैसे लिखेंगे ये क्या दिख रहा है ये पेट दिख रहा है थोड़ा बहुत दिख रहा है चलिए इसको कनेक्ट करते हैं बहुत अच्छा नहीं बनाया लेकिन समझ में आ रहा है कि ये पेट है ये है टेबल टेबल ये क्या है पेड़ ये हो गया पेड़ है ना अच्छा ये क्या है चेहरा चेहरा ये क्या है जेवर और क्या बचा ये बिटर सा वेजिटेबल बिटर गॉड ठीक है पेट टेबल पेड़ चेहरा करेला जेवर अब बच्चों कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बहुवचन होते हैं प्लूरल वर्ड उसमें भी एक ही मात्रा लगती है जैसे कि करेला उसका बहुवचन क्या हो जाएगा करेले करेला करेले करेला सिंगुलर करेले प्लूरल ठीक है तो बहुवचन बनाने के लिए एक ही मात्रा लगाते हैं दूसरा होता है पेड़ा एक पेड़ा मैनी है बहुत सारे हैं तो पेड़े पेड़े पेड़ा पेड़े पेड़ा पेड़े तीसरा क्यूकम्बर को क्या बोलते हैं हिंदी में खीरा क्यूकम्बर को खीरा बोलते हैं खीरा खीरे खीरा सिंगुलर खीरे बहुत सारे खीरे ठीक है बहुवचन बहुवचन का मतलब होता है बहुत सारे उसमें अक्सर एक ही मात्रा लगती है क्या लगती है एक ही मात्रा खीरा एक खीरे मैनी ठीक है केला वन केला केले मैनी केला केले बहुवचन केले बहुवचन हुआ और केले सिंगुलर हुआ एक हुआ ठीक है